नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में, जहां हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ नई घोषणाएं की है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने कुछ नई घोषणाएं, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गहलोत सरकार की नई घोषणाएं। हाल ही के हालात देखकर गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की है। ये सभी घोषणाएं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी घोषणाएं हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आपको राजस्थान में सभी छोटी बड़ी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इस वीडियो में आपको राज्य के हाल के हालात को देखकर गहलोत सरकार की तरफ से प्रदेश भर के लोगों के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 1 करोड़ से अधिक परिवारों को, जिनको 1 रुपए और 2 रुपए प्रति किलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई महीने तक गेहूं निःशुल्क देने की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट देने की भी घोषणा की है। और अगली घोषणा यह है कि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेल्डर, दिहाड़ी मजदूर एवं ऐसे जरूरतमंद परिवार जो NFSA की सूची से बाहर है, मतलब जिनके राशन कार्ड नहीं है, तो उन लोगों को 1 अप्रैल से 2 महीने तक आवश्यकता खाद्य सामग्री के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। और ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के सहयोग से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली घोषणा की गई है अशोक गहलोत के द्वारा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सामाजिक पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। अगली घोषणा की गई है लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री के श्रमिकों को मिले सवैतनिक अवकाश, और अवकाश से किसी भी मजदूर के पैसे नहीं काटे जाएगा, मतलब अवकाश करने पर आपको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपील की है लॉकडाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें इस अवधि का संवैधानिक अवकाश देना चाहिए। इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्रियों के प्रबंधकों को निरंतर संपर्क रखा जाए। कोरोना के बचाव और नियंत्रण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सभी अस्पतालों को इंडोर आउटडोर प्रशासन और प्रचार प्रसार से जुड़े कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी अस्पतालों में इंडोर फैसिलिटी के लिए अति आवश्यक सर्जरी के अलावा सामान्य सर्जरी ली जाए। अस्पताल में कुछ बेड को आइसोलेशन के हिसाब से तैयार रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट व अन्य सामग्री रखी जाए। सभी चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण बचाव और संक्रमण नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया जाए। किसी भी आपातकालीन के लिए स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। सभी अस्पताल पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क तैयार रखें। ICC एक्टिविटी के लिए कोरोना वायरस से लड़ने और उसके लक्षणों को पहचानने संबंधी पोस्टर्स का प्रदर्शन करें। व्यक्तिगत स्वच्छता आदि के बारे में प्रदर्शित करने वाले पोस्टर चिपकाएं। प्रशासनिक स्तर पर सभी अस्पताल हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अनुसार 22 मार्च को तैयारियों का अभ्यास कर लें। उपचार के दौरान इतने संक्रमित हो चुके मरीजों का सभी अस्पताल में निःशुल्क उपचार करें। किसी भी संदिग्ध या पॉजिटिव मरीज को अस्पताल से जाने ना दें। साथ ही उसके बारे में यह नहीं, उसे NCDC या IDHP को भी सूचित करें। न्यूमोनिया से पीड़ित मरीजों के बारे में NCDC या IDHP को सूचित करें ताकि उनकी भी कोरोना जांच करवाई जा सके। सभी अस्पताल भीड़भाड़ से बचने का प्रयास करें। सोशल डिस्टेंसिंग को अपने परिसर में सुनिश्चित रखें। चिकित्सा संस्थान सभी तरह के परीक्षाओं को संदिग्ध करें। अस्पताल हेल्पलाइन नंबर और ईमेल नंबर को भी प्रदर्शित करें ताकि स्टूडेंट प्रशासन से संपर्क बनाए रखें। OPD के लिए सभी मरीजों को सलाह दी जाती है कि सामान्य स्थिति में OPD में डॉक्टरों को दिखाना संदिग्ध करें। OPD में ज़्यादा लोग एक साथ ना रहे। जो मरीज क्रोनिक डिसीज से पीड़ित है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भीड़भाड़ से जाने से बचें। सभी अस्पताल अपने फार्मेसी काउंटरों पर क्यू मैनेजमेंट बनाए रखें। इसके लिए रेड क्रॉस और NDRF के स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है। कोरोना वायरस ने एक महामारी का रूप ले चुका है और अभी तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है जिससे जनता को फायदा मिले, जनता के लिए ताकि लोग अपने घरों में रहे और घरों से बाहर न निकले, ताकि लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके।